भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी अपनी ही पार्टी के खिलाफ दिए गए बयान पर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। जन समस्या को लेकर विधायक त्रिपाठी बार बार भाजपा सरकार को आईना दिखा रहे हैं। मेहर विधानसभा से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने किसानों और जन समस्याओं को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान की एक खास रिपोर्ट। फिर मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये अपील और प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ का किसान कोई बिंद भर का मामला नहीं होगा, होगा तो ये पूरे प्रदेश को होगा, पर बिंद का किसान भी कहीं ना कहीं पीड़ित और प्रताड़ित है। बिजली के रेट आप बढ़ा दिए, बिजली मिल नहीं पा रही, खाद के रेट एक एक हजार रुपये क्विंटल बढ़ा दिए गए, ऐसी स्थिति में आखिर किसान करेगा क्या? किसान पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहा है, ठगा महसूस कर रहा है, तो किसान के तरफ देखने की जरूरत। बिजली विभाग भी धंधा और व्यापार कर रहा है, आपके पास खंभे नहीं, आपके पास तार नहीं है, आप बिजली नहीं दे पा रहे हो, मीटर नहीं लगा पा रहे हो, ये तमाम चीज़ें हैं। यदि बिजली विभाग नहीं सुधरा तो बिजली विभाग को भी इसके परिणाम भुगतना पड़ेगा, और यदि बिजली विभाग के अधिकारी इस संबंध में ध्यान नहीं दिए कि ट्रांसफार्मर तत्काल लगे, हमें आप तार दीजिए जो 24 घंटा घरेलू कनेक्शन मिल रहा वो मिले, 10 घंटा किसान को बिजली का है तो वो मिले, यदि ये नहीं मिलेगा तो पूरे विंध्य प्रदेश में बिजली का बिल दिलाना बंद करा देंगे। इस तरह की लड़ाई लड़ने की हम तैयार हैं। विंध्य क्षेत्र से एक एक जिले से एक एक तहसील से गांव के लोग किसान ये मांग कर रहे हैं कि हमारे विंध्य में बिजली की कमी है, खंभे नहीं बोल रहा हूँ, खंभे टूट गए हैं तो उन जगहों में खंभे नहीं लगा जा रहे, ट्रांसफार्मर हमारे पास नहीं है। जब ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आखिर बिजली का बिल आदमी क्यों इस तरह देगा? ये परेशानियाँ फील्ड में है, क्षेत्र में है, गांव का किसान परेशानी महसूस कर रहा है। अब कौन क्या बयान दे रहा है मैं नहीं जानता। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।